बोलिए पंच परमेश भगवान की जय। जब ये 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जब ये दस लक्षण महापर्व की जय। आचार्य प्रवर स्थविराचार्य संभव सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब ये 105 गणिनी आलिका पुनिक चैतन्यवती माता जी की जय। आप सबके सम्मुख एक बार फिर मैं आई हूँ ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर। ये सब संभव हुआ है आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज जी और आर्यका गणनी आर्यका पुनित चैतन्यवती माता जी के आशीर्वाद के कारण। ये चौथा ऑनलाइन प्रोग्राम जो कोरोना काल में हम लोग आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा आप सबको सारे दर्शकों को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोग अगर ना होते तो शायद ये प्रोग्राम हम बार बार नहीं ला पाते, क्योंकि आप लोग सारे दर्शकों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद हम सब कलाकारों को मिला है, जिस वजह से हम लोग हर प्रोग्राम आपके सामने लेकर आते हैं और आप लोग इतना सराहते हैं। तो आइए इसी उद्देश्य से एक बार और प्रोग्राम लेके आई हूँ दस लक्षण महापर्व के ऊपर। कहानी जो है उसका नाम है धम्मम शरणम पवजामि। तो जो कोई भी कार्यक्रम अपन शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ, मंगल वाणी के साथ। तो चलिए चलते हैं सीधे मंगलाचरण की तरफ और देखते हैं आज मंगलाचरण में क्या क्या प्रस्तुति आप सबके सम्मुख लेके आ रही है हमारे कलाकार। नवकार स्मरे मंगल ये करे पाँच पदों का हम ध्यान धरे। है जहाँ सुख और सुख ही, शीतल छाया मिले। है जहाँ सुख और सुख ही, शीतल छाया मिले। आशीर्वाद सदा हम पर बने रहे, यही आशीर्वाद माता जी से हम सदैव चाहते हैं। अब माता जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि माता जी दस धर्म के संबंध में हमें कुछ बताएं। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर भगवान ने की जय। शमेशिखर सिद्ध क्षेत्र की जय। आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव की जय। पर्वराज पर्युषण महापर्व की जय। दस लक्षण महाधर्म की जय। अभी हमारा सौभाग्य महाभाग्य है कि आज लॉकडाउन होते हुए भी घर में बैठकर हम लोग आज जहाँ जहाँ भी दिगंबर संत हैं उनके मंगल आशीर्वाद के साथ में हम पूजा भक्ति आराधना कर रहे हैं, व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं। ये दस धर्म की महिमा ही अलग है। पर्युषण पर्व हमें जगाने आया है। हमारे परिमार्जन के लिए पर्युषण पर्व आता है। ये पर्व राग रोगन का, मोह माया ममता का, सजने धजने का पर्व नहीं है। हमारे जैन धर्म का ये सारे पर्व अष्टानिका ले लो और ये पर्युषण दस लक्षण धर्म पर्व ले लो। ये पर्व हमें जगाता है कि आप अनादिकाल से इन राग रोगन के मोह माया ममता की वजह से आत्मा भटक रही है। अभी भी सावधान होकर के इस पर्व के दिन पे आप शक्ति के अनुसार व्रत नियम संयम का पालन करें, धर्म की विशेष आराधना करें। ये धर्म हमें यही सिखाता है। धर्म किसको बोलते? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखत्व सत्वानां योधरत्युत्तमे सुखे। ये धर्म संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख में पहुँचाने वाला है। ऐसे समीचीन धर्म हमारा जैन धर्म है। जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है। ये जैन धर्म के अंतर्गत जब हमारा पंचम काल पूर्ण हो जाएगा, षष्ठम काल आएगा, तब जब षष्ठम काल का 49 दिन बाकी रहेगा तब वर्षा होती है। अनेक प्रकार की अग्नि धूल आदि मिट्टी आदि का बारिश होगी 49 दिन। और उसके बाद में जब उस सर्पिण का काल आएगा तो 49 दिन वहाँ सूवृष्टि होती है। और वो 49 दिन के बाद में भाद्र शुक्ल पंचमी आती है। उस दिन से फिर पुनः धर्म का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए उस समय से हम भाद्र शुक्ल पंचमी से हम ये पर्युषण पर्व मनाते हैं। तो ये पर्युषण पर्व कई सालों से हम मनाते हुए आए। आज पर्युषण पर्व में हमें विशेष उत्तम क्षमा मार्गवार्जव शौच सत्य संयम तपस्या गांगीचन्य ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म बताया है, श्रावक लोग 10 धर्म की भावना कर सकते हैं। और जो मुनि त्यागी होते हैं 10 धर्म को धारण कर सकते हैं। तो आए हम उत्तम क्षमादि 10 लक्षण को, 10 धर्म को जाने और अपने जीवन में उसको विशेष शक्ति के अनुसार ग्रहण करने की हम थोड़ा पुरुषार्थ करें तो हमारा ये पर्युषण मनाना सार्थक हो सकता है। यही धर्म, यही पर्व। पर्व है प माने पाप, व माने विसर्जन करना, रग से अपने पापों को विसर्जन करना, उसका नाम पर्व होता है। इन पर्व के दिनों में विशेष शक्ति के अनुसार हम त्याग व्रत नियम सब करते हैं और करते हुए आए हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि पर्युषण पर्व में जैनियों की एक विशेष भावना रहती है। तो ये भावना आगे आपकी और बढ़े, इस शुभ मंगल कामनाओं के साथ में ये पर्व इस तरह से अपने को मनाना चाहिए। विश्व के हर कोने कोने में जहाँ हम जैन उपस्थित हैं, वहाँ पर 10 लक्षण महापर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भी इस कोरोना महामारी के कारण हम मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन हम घर में ही रहकर पूजा अर्चना स्वाध्याय सब कर रहे हैं और बड़े ही उत्साह उमंग और धूमधाम से आराधना कर रहे हैं। भारत बाहुबली की टीम देश के हर कोने कोने में मौजूद है और उन लोग इसी उत्सव की कुछ झलकियां आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं देश के हर कोने में कैसे 10 लक्षण महापर्व की उत्साह उमंग जो झलक रही है वो हमारी झलकियां आप सबके सामने। चलिए हम और आप शामिल होते हैं भक्ति नृत्य में और देखते हैं हर देश के कोने कोने की कुछ झलकियां। जय जिने। आइए आज हम सब चलते हैं राजस्थान की ओर। वहाँ बड़े तो बड़े पर छोटे बच्चों में भी पर्यूषण मनाने का उल्लास जोरदार है। यहाँ हर घर पे पर्यूषण बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। चलिए हम देखते हैं हमारे बच्चों ने अपनी मम्मियों से क्या कहा है। सबको मैं दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। भूला के दिन रात पर्व ये पर्युषण छे हो जप लो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम पर्व ये पर्युषण छे हो आओ सारे साथ भूला के दिन रात पर्व ये पर्युषण छे हो जप लो प्रभु नाम बनेंगे सारे काम पर्व ये पर्युषण छे छबीला तारा रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा हुई छबीला तारा हुई रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा हुई छबीला तारा हुई रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे। प्रभुवर ने हमें राह दिखाई थी संयम की महिमा बताई थी पर्युषण क्षमा याचन की मिट जाएंगे सारे भव भव के फेरे जो मन से करे तेरा ध्यान। चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा वही छबीला तारा वही रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा वही छबीला तारा वही रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे। माया को छोड़ के तप और त्याग करे चौमासे का ये अवसर ना बर्बाद करे तप त्याग करे सत्य अहिंसा का जीव दया का करे जन कुल का सम्मान। चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा वही छबीला तारा वही रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे हाँ। चौगाड़ा तारा वही छबीला तारा वही रंगीला तारा रंग भैरू जुवे तारी बात रे। मैं दिलीशा जैन। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ। चलिए आप सभी को ले चलती हूँ नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ पे सब अपने घरों में रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, पर यहाँ कुछ बच्चों ने हमें अपनी मन की उद्गार बताई कि उन्हें मंदिर जाकर देव दर्शन करना है, पूजा अर्चना भी करना है, पर इस कोरोना वायरस के कारण घर में रहकर ही भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। पर इन नन्हे नन्हे बच्चों को कुछ कहना है अपने भगवान जी से, क्या? चलिए देखते हैं। वृक्षों में कल्प वृक्ष, धातुओं में स्वर्ण, मणियों में चिंतामणि, आप्तों में तीर्थंकर, देवों में इंद्र महान और श्रेष्ठ है। उसी प्रकार पर्वों में 10 लक्षण पर्व श्रेष्ठ है। 10 लक्षण पर्व को पर्युषण पर्व भी कहा जाता है। ये महापर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ये 10 लक्षण महापर्व साल में 3 बार आते हैं। ये 10 लक्षण पर्व चेतन को चेताने के लिए आते हैं। तो आइए आज का जो विशेष कार्यक्रम है 10 लक्षण महापर्व के ऊपर, जो हम सब कलाकार आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं, चलिए हम और आप देखते हैं उस अनुष्ठान। वंदामी माता जी, विनम्र निवेदन करते हैं कि माता जी 10 धर्म के संबंध में हमें कुछ बताएं। उत्तम क्षमा। क्षमा हमारे जीवन का श्रृंगार है। क्षमा जीवन में धारण करना चाहिए। क्ष शब्द यही बताता है। क और स से ये क्ष शब्द बनाया है, तो क माने कषाय, श माने शमन करना। कषायों का शमन करके जो सामने गलती किया उसको सामर्थ्यवान होते हुए भी उसको क्षमा करना, यही सबसे बड़ा क्षमा है। क्षमा गुण हमारे अंदर आना चाहिए। तो आप देखेंगे क्षमा धर्म क्या है। उत्तम क्षमा धर्म की जय। उत्तम क्षमा। राजा की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकल रही थी, तभी एक पत्थर जोर से आकर राजा के माथे पर लगता है। राजा की चोट देखकर सभी सैनिक अपराधी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद वे एक छोटे से बालक को पकड़ कर लाते हैं। राजा बालक से पत्थर मारने का कारण पूछते हैं। बालक बड़ी ही मासूमियत से कहता है, महाराज मैंने तो फल खाने के लिए पेड़ पर पत्थर मारा था, निशाना चूक जाने से निशाना आपको लग गया। बालक का जवाब सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और उसे इनाम देते हैं। सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और राजा से कहते हैं कि बालक को सजा के बजाय इनाम क्यों दिया गया। राजा कहते हैं कि जब पेड़ इतने पत्थर खाकर भी हमें फल दे सकता है, तो फिर मैं तो एक मनुष्य हूँ। क्या मैं अपना क्रोध भुलाकर उसे क्षमा कर उसे इनाम नहीं दे सकता? वास्तव में क्रोध का शायद आभावपूर्वक शांत परिणाम ही क्षमा धर्म है। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव के प्रति भी ऐसा ही क्षमा भाव रखते हैं। उत्तम क्षमा धर्म हमारी आत्मा को सही राह खोजने में और क्षमा को जीवन और व्यवहार में लाने सिखाता है, जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन वो चीज है जो आत्मा को कठोर तप त्याग की कुछ समय की यातना सहन करके परम आनंद मोक्ष को पाने का प्रथम मार्ग है। उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव धर्म यही कहता है, मर्दनम गुणवर्धनम। जितना जितना मान कसाय का मर्दन करते जाएंगे, इतना इतना हमारा मार्दव गुण बढ़ते चला जाएगा। मान हमें अधोगति में ले जाता है और जितना मार्दव गुण हमारे अंदर आएगा तो हमारी आत्मा उत्थान की तरफ चलती जाएगी। तो आए अपने जीवन में से मान कसाय को हटाएं। मान कसाय हमारे अधोगति का कारण बनता है, इसलिए उदोर भाव इति मार्दवम माने सरल भाव रखो। यही हमारे मार्दव गुण का ये धर्म कहता है। उत्तम मार्दव धर्म की जय। उत्तम मार्दव। एक बार एक राजा मुनिराज के पास उपदेश सुनने के लिए पहुंचे। राजा ने अपना परिचय बड़े ही गर्व से सम्राट के रूप में दिया। तब महाराज ने उनसे पूछा कि हे राजा, तू अगर रेगिस्तान में कहीं भटक जाए और तेरा प्यास से दम घुटने लगे और उस समय कोई एक गंदा पानी का लोटा लेकर तुम्हारे पास आए और कहे कि हे राजा, इस एक लोटे गंदे पानी का आधा राज्य, तो बोल तू क्या करेगा? राजा ने कहा, मैं तुरंत ही वह पानी ले लूंगा और अपनी पेट में जाकर के रोग उत्पन्न कर दे और तू मरना सनको हो जाए, उस समय एक हकीम आए और तुझसे कहे कि अगर तुम मुझे ये आधा राज्य दे दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो बोल राजा, तू क्या करेगा? राजा ने कहा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा और अपने प्राणों की रक्षा करूंगा, क्योंकि जीवन ही नहीं तो राज्य किस काम का। तब मुनिराज ने उसे अंत में समझाया, जो एक लोटे गंदे पानी और उससे उत्पन्न रोग के लिए दिया जा सके, ऐसे तुच्छ राज्य पे घमंड कैसा। अब हम अपनी बात पे आते हैं। आज हम लोग सब अपने एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, जिसमें हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पर विचार कीजिए, हम जिन चीजों के कारण घमंड करते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं, वह तो हमारे है ही नहीं। जैसे जन्म हमें दूसरों ने दिया, नाम हमें दूसरों ने दिया, शिक्षा भी हमें दूसरे ही देते हैं, रोजगार भी हमें दूसरों ने दिया, लौकिक वैभव भी हमें कर्मों से ही मिलता है, और अंत में शमशान भी हमें दूसरे ही लेकर जाएंगे। इसलिए हम सभी को मान कषाय का त्याग करके अपने जीवन में मार्गव धर्म को प्रकट करना चाहिए। उत्तम आर्जव धर्म की जय। आर्जव धर्म यही कहता है कि हमारे अंदर कोई छल कपट मायाचारी नहीं होनी चाहिए। किसी को ठग करके कोई कार्य करना माने वो मायाचारी आपको तीर्यंश गति में ले जाएगा। इसलिए उमा स्वामी ने कहा, माया तैरक्य नश्य, माया करने वाले को तीर्यंश गति प्राप्त होती है। तो ऐसे नरक और तीर्यंश गति बचना हो तो हम माया कसाय से बचें और उत्तम आर्जव धर्म को धारण करें। देखो क्या होता है उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव। एक बार एक राजा के कोई बेटे नहीं थे। जब उनका तबीयत खराब होने लगा तब उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी का चिंता सताने लगी। तभी उन्होंने राज्य के सारे युवक को अपने महल में इकट्ठा करवाया और उन सभी को एक एक बीज देकर कहा, इन बीजों को बोए। ठीक एक साल बाद इन बीजों से उगे पौधों को लेकर मेरे सामने उपस्थित हो जाए। ठीक उन सब ने भी ऐसा ही किया और सारे जन बीजों को खाद पानी देने लगे। 3 हफ्ते बाद जहाँ सभी युवकों के बीजों में पौधे बढ़ने लगे, वहीं एक युवक ऐसे थे जिनके बीज में अंकुर भी नहीं आया था। ठीक इसी तरह पूरा साल बीत गया और वो दिन भी आ गया जिस दिन राजा के सामने उपस्थित होना था। सभी के पौधों में रंग बिरंगे फूल दिख रहे थे। ठीक एक युवक जो थे उनके गमला अभी भी खाली था। उसको डर लग रहा था कि राजा आएंगे और बोलेंगे, तुमने मेरा बीज बर्बाद कर दिया है और मुझे सजा देंगे। पर राजा उसी वक्त आते हैं और उन्हें ही राज्य का राजा घोषित कर देते हैं और सबको कहते हैं कि ठीक 1 साल पहले मैंने सभी को उबले हुए बीज दिए थे, जिस बीज से पौधा होना असंभव है, और ये आपकी ईमानदारी की परीक्षा थी। जिन्होंने मायाचारी और छल किया है उन सब का ये परीक्षा में असफल रहने की समर्थता है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि मायाचारी करने वाले जीव को लगता है कि वो दूसरों को धोखा देते हैं, पर वास्तव में वो खुद को ही धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा देने वाले ध्यान रहे ईमानदारी और सरलता से धोखेबाजी भी मार खा जाती है, और इसी मायाचारी के अभाव में होने वाली आर्जव धर्म है। उत्तम सत्य धर्म की जय। सत्य धर्म हमारी आत्मा का गुण है। आज व्यक्ति सभी असत्य में जी रहा है, इसलिए रोगी शोकी दुखी दरिद्र दिखने में आता है। सत्य तो हमारी आत्मा है, आत्मा की तरफ अभी हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए हमें आज उत्तम सत्य धर्म यही दर्शाता है कि सत्य को जाने, बाकी जितनी भी चर्म चक्षु से चीज दिखती है वो सब असत्य हैं। तो सत्य को जानने के लिए आज का ये सत्य धर्म कहता है कि आत्मा को पहचानो। सत्य के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी कसौटी पर कसा है। महात्मा गांधी ने सत्य के लिए सत्यमेव जयते ये सूत्र घोषित किया था और महात्मा गांधी ने गोली खाई। महावीर भगवान को सत्य के लिए उपसर्ग सहन करना पड़ा और रामचंद्र जी को सत्य के लिए वनवास जाना पड़ा आदि बहुत सारे महापुरुषों ने सत्य की कसौटी में खड़े उतरे और सत्य धर्म को आगे बढ़ाया और उस सत्य से अपनी आत्मा को निखार दिया। ऐसे सत्य धर्म हमें भी पालन करना चाहिए। उत्तम सत्य धर्म क्या कहता है आप देखेंगे। उत्तम सत्य। एक बादशाह ने सपने में एक ऐसा पेड़ देखा जिसके सारे पत्ते झड़ चुके, सिर्फ एक ही पत्ती बची थी। सुबह उठते ही राजा ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाकर इस सपने का अर्थ पूछा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज इस सपने का अर्थ यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने ही मर जाएंगे और सिर्फ आप ही जीवित बचेंगे। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गया और राज ज्योतिषी को फांसी की सजा सुनाई। फिर राजा ने दूसरे ज्योतिषी से अपने इस सपने का अर्थ पूछा तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज इस सपने का अर्थ यह है कि आपके परिवार में सबसे ज्यादा उम्र आपको मिली है और आप ही अपने परिवार में सबसे ज्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और ज्योतिषी को इनाम देना चाहा। ज्योतिषी ने कहा, महाराज इनाम के बदले आप राज ज्योतिषी की सजा माफ कर दीजिए क्योंकि वे निर्दोष हैं। हम दोनों ने ही आपके सपने का एक ही अर्थ बताया था, बस सबको का है। इस कहानी से हमने यह सीखा कि सत्य को कहने का तरीका सत्य को और भी महत्वपूर्ण बना देता है तथा जिसका जैसा स्वरूप उसकी समझ व वैसी ही वाणी सत्य धर्म है। उत्तम सोच धर्म की जय। आज का उत्तम सोच धर्म यही कहता है, सुचेर भावा इति सोचा, माने अपनी लोभ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये लोभ प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति कितना भी अर्जन करे फिर भी कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं, धन, पंच इंद्रिय, विषय आदि उस इच्छाओं में हम लोगों को लोभ के प्रवृत्ति करके, लोगों को ठग करके माया इकट्ठी करें तो कहते हैं अंधेरे में छाया साथ नहीं देती है और बुढ़ापा में काया साथ नहीं देती है और अंत में माया भी साथ नहीं देती है। इसलिए कोई साथ देने वाला नहीं है। तो लोभ प्रवृत्ति को बच करके गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन कान जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष सबसे बड़ा धन है, इसलिए सब जो भी मिला है कोई कम नहीं है, जो नहीं मिला है उसका कोई कम नहीं है, जो मिला है उसका सदुपयोग करो। यही आज का धर्म कहता है, उत्तम सोच धर्म। देखो क्या कहता है। एक बार एक लोभी व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा ही दुखी था क्योंकि उसे हर चीज की पाने की लालसा ही लगी रहती। एक बार उसने एक साधु को देखा जो बड़े ही सुखी दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति उन साधु के पास गया और पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो आप इतने सुखी हैं? साधु ने कहा, अरे भाई मैं तो एक साधारण सा नग्न दिगंबर साधु हूँ, मेरे पास क्या होगा? पर वह व्यक्ति उनके पीछे ही पड़ गया और कहने लगा कि आपके पास जो है वह मुझे भी दे दो ताकि मैं भी सुखी हो सकूं। इस पर साधु ने कहा, जाओ उस नदी के पास जाओ, तुम्हें वहाँ एक पारस मणि मिलेगा, वह ले लो और मेरा पीछा छोड़ो। व्यक्ति दौड़कर नदी की ओर जाता है और उस पारस मणि को उठा लेता है। फिर वह कुछ पल रुककर पारस मणि को वहीं फेंककर साधु के पास आता है और कहता है, अगर आप पारस मणि के कारण सुखी होते तो वह वहाँ नहीं पड़ा रहता, वह पास है। साधु ने कहा, मेरे पास तो संतोष धन है और इसलिए मैं सुखी हूँ। अब हम अपनी बात पर आते हैं। आज हम सभी सुखी दिखने का नाटक तो करते हैं, पर हम अंदर ही अंदर दुखी, और इस दुख का कारण है मन का असंतोष। गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं, और पैसे वाला इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें और पैसा चाहिए। गरीब इसलिए दुखी है क्योंकि उनके पास घर नहीं, और घर वाला इसलिए दुखी है क्योंकि उनके पास और बड़ा घर होना चाहिए था। बस इसी असंतोष के कारण इस अंधे दौर में इंसान भागा भाग लगा है और जैसे तैसे पैसे कमाना चाहता है। पर याद रखें, हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो सकती है, पर हमारी इच्छाएं नहीं, और इसी लोकाशय के अभाव से होने वाली निर्मलता को स्वास्थ्य धर्म कहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य धर्म हमें यही सिखाता है कि जितना मिला है उसी में खुश रहो, परमात्मा का हमेशा शुक्रिया मानो, और अपने आत्मा को शुद्ध बनाकर ही आनंद मोक्ष प्राप्त करना मुमकिन है। जय जी। उत्तम संयम धर्म की जय। आज का उत्तम संयम धर्म हमें यही दर्शाता है, सम और यम माने सम्यक प्रकार से हमारे पांचों इंद्रिय और मन को दमन करना, माने त्रस हिंसा और सावर हिंसा से बचना चाहिए। 5 इंद्रिय मन को कंट्रोल करना चाहिए। संयम माने मर्यादा, हर चीज में मर्यादा होनी चाहिए। खाओ पियो पर छको मत, बोलो बालो पर बको मत, देखो चालो पर थको मत, और देखो भालो पर और तको मत। ये जो बताया है वो सारी चीज मर्यादा में। जिस तरह से गाड़ी में ब्रेक नहीं होता तो कहीं भी गाड़ी ले जा सकती है, वैसे जीवन की गाड़ी में भी यदि ब्रेक, संयम रूपी ब्रेक नहीं होगा तो हमारा सारा जीवन गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हर बात में, खाने पीने में, ओढ़ने में, बैठने में, खाने परिक्रम में, सब में संयम होना चाहिए, तो हमारा जीवन निखार हो सकता है। संयम हमारा जीवन का श्रृंगार है। सम्यक प्रकार से इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने का नाम ही संयम है। आए देखिए संयम धर्म क्या कहता है। उत्तम संयम। एक बार एक राजपुरोहित के मन में यह विकल्प उठा कि मेरा सम्मान राज दरबार में मेरे पांडित्य के कारण है या संयम रूप सदाचरण के कारण। चूंकि राजपुरोहित राजा को धर्म, नीति और न्याय नीति परक उचित परामर्श दिया करते थे, इसलिए राजा की श्रद्धा के पात्र बने हुए थे। प्रतिदिन राज दरबार की समाप्ति पर राजपुरोहित के सम्मान में राजकोष में से एक स्वर्ण मुद्रा सम्मान के रूप में भेंट दी जाती थी। स्वर्ण मुद्राओं से भरा थाल राजपुरोहित के समक्ष रख दिया जाता था, जिसमें से वह केवल एक स्वर्ण मुद्रा स्वीकार कर लिया करते थे। आज राजपुरोहित ने सबकी आंख बचाकर एक की बजाय 2 मुद्राएं उठाकर जेब में रख ली। खजांची ने सोचा शायद अनजाने से पुरोहित जी द्वारा ऐसा हो गया है। दूसरे दिन पुरोहित ने 3 मुद्राएं उठा ली। यह बात राजा के कान तक पहुंच गई। तीसरे दिन जब राजपुरोहित ने एक की बजाय पुनः 3 मुद्राएं उठाईं, तो सारे दरबारियों को यह मालूम हो गया। चौथे दिन राजपुरोहित के दरबार में आने पर कोई पार्षद सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। आज राजा ने पुरोहित से प्रश्न किया, यदि राजा को कोई विश्वास पात्र भी चोरी करे तो उसे क्या दंड दिया जाए। राजपुरोहित ने निर्भीकता से उत्तर दिया, दंड विधान के अनुसार चोर को जो सजा मिलती है वही सजा उसे भी दी जाए। राजा बोले, पुरोहित जी, आप लगातार 3 दिन से स्वर्ण मुद्राओं की चोरी करके चुपचाप उसे अपनी जेब में रख रहे हो, आपको क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए। पुरोहित जी बोले, बेशक मुझे भी कारावास दिया जावे, लेकिन सजा देने के पहले मेरा रहस्य जान लें। यह मेरा मात्र एक प्रयोग था। मैं यह जानना चाह रहा था कि मेरा सम्मान मेरे ज्ञान के कारण है या मेरे सम्यक चारित्र के कारण। मैंने प्रयोग करके यह रहस्य अथवा तथ्य जान लिया है। ज्ञान जितना 3 दिन पूर्व था उतना आज भी है, परंतु उस समय ज्ञान के साथ मेरा संयम सुशोभित था। मेरे पास न्याय और धर्म की नीति थी तो मेरा सम्मान था। आचरण से स्खलित हो जाने पर पहले दरबारियों के द्वारा और फिर राजा की निगाह में गिर गया। मेरा प्रयोग सफल रहा। अब आप जो भी दंड दें वह मुझे स्वीकार है। इस प्रकार इस कहानी से हमने सीखा कि ज्ञान प्रशंसनीय होता है, परंतु संयम पूजनीय होता है। ज्ञान से आदर एवं सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन संयम आचरण से व्यक्ति का व्यक्तित्व पूज्य बनता है। इसीलिए हम सभी को ज्ञान के साथ साथ इंद्रिय और प्राणी संयम का पालन भी करना चाहिए। उत्तम तप धर्म की जय। आज का ये उत्तम तप धर्म हमें यही दर्शाता है, संकेत करता है कि तप तो जीवन में करना ही पड़ेगा। जब अपने को प्यास लगी है और शीतल जल चाहिए तो वो मिट्टी का घड़ा को भी तपाना पड़ता है, और तब घड़ा में पानी भरो तो शीतलता प्राप्त होती है। वैसे जब जीवन में कहीं भी शीतलता प्राप्त करने की भावना हो तो अपने को निश्चित अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल करके इच्छाओं का निरोध करना, इच्छा निरोधोस्तपा, इच्छाओं का निरोध करते जाएंगे उतने अनुसार में हमको तप होगा। तप का उल्टा है पतन, जो तप करता है उसका कभी पतन नहीं होगा। तप नहीं करोगे तो निश्चित हमारी आत्मा का पतन होगा। इसलिए इच्छा निरोधोष तपा, इच्छा दुख की मूल है, अवगुण की खान, इच्छा तज जो तप करे पावे केवल ज्ञान। इच्छाओं का निरोध तो करना ही पड़ेगा, तभी हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। आए आज का उत्तम तप धर्म क्या कहता है देखेंगे। उत्तम तप। एक बार एक धर्मात्मा और एक चोर एक ही दिन मरकर यमलोक पहुंचे। धर्मराज उनके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर बैठे थे और उसके हिसाब से उनकी गति का निर्णय करने लगे। निर्णय करने से पहले धर्मराज ने दोनों से कहा, मैं अपना निर्णय तो सुनाऊंगा, लेकिन यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं अवसर देता हूँ, कह सकते हो। चोर जानता था कि उसने गलत काम ही किए थे, उसे इसका पछतावा भी हो रहा था, अतः अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, महाराज मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए, जिसने केवल पाप ही किया हो वह क्या आशा रखे, आप जो दंड देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। चोर के चुप होते ही धर्मात्मा बोला, महाराज मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला, सदैव सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बात सुनी, फिर चोर से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस धर्मात्मा की सेवा करो। चोर ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा, मेरे पुण्य कर्मों का उचित सम्मान नहीं हो रहा है। धर्मराज को साधु की बात पर बड़ा दुख हुआ, वह क्षुब्ध होकर बोले, निरपराध व्यक्तियों को लूटने वाले चोर मरकर इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने को तैयार है, तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकार से ग्रसित हो और यह नहीं जान सके कि सब में एक समान ही आत्म तत्व समाया हुआ है, तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल रही, अतः आज से तुम इस चोर की सेवा करो और तप को पूर्ण करो। उसी तपस्या में फल है जो आकांक्षा और अभिमान रहित की जाए। आकांक्षा और अहंकार का त्याग करना ही तपस्या का मूल मंत्र है और ये ही भविष्य में ईश्वर बनने का आधार बनता है। झूठे दिखावे में तप नहीं। ऐसे लोगों की गति वही होगी जो धर्मात्मा की हुई। वास्तव में संपूर्ण इच्छाओं का निरोध होना ही तप है। उत्तम त्याग धर्म की जय। आज का ये उत्तम त्याग धर्म हमें यही संकेत करता है कि जीवन में त्याग ही सुख का कारण है, भोग सुख का कारण नहीं है। भोगों में किसी को सुख मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। जीवन में जो त्याग करते गए वो त्यागी अनुव्रति के साथ में महाव्रति बन करके, महात्मा बन करके परमात्मा पद को त्याग के धर्म के माध्यम से ही वो अपनी परमात्मा सुख को प्राप्त किया है। हम हमेशा कहते हैं विद्या से बढ़कर कोई नेत्र नहीं है, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है, सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है, और शरीर में जो कोई रोग हो जाता है उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। तो त्याग ही हमारे जीवन में सुख का कारण है। इसलिए पग पग में कार्य परिग्रह का परिमाण करो, जो चीज उपयोग में नहीं लेते उसका त्याग करते जाओ, तो हमारे जीवन में विशेष आज त्याग के परिणाम से, त्याग की भावनाओं से, त्याग करने से हमें सुख और शांति प्राप्त यहाँ पर भी हो सकती, आगे भी त्याग और त्याग संयम से हमको विशेष सुख और शांति मिल सकती है। आए जीवन में थोड़ा थोड़ा भी त्याग करते जाएं, तो हमारे ये त्याग धर्म क्या कहता है आप देखेंगे। उत्तम त्याग। रात्रि भोजन नहीं करेंगे। किसी समय धन मित्र, धन दत्त आदि बहुत से सेठ पुत्र व्यापार के लिए कौशाम्बी से चलकर राजगृह की ओर रवाना हुए। रास्ते में एक गहन वन में उन्हें चोरों ने लूट लिया। उन सब का माल असबाब छीनकर वे चोर चले गए। सच ही है, जिनके भाग्य में कुछ पुण्य नहीं होता वे कोई भी काम करें उन्हें नुकसान उठाना ही पड़ता है। उधर इतना सारा धन पाकर चोरों की नियत बिगड़ी। सब परस्पर में ये चाहने लगे कि सारा धन मेरे ही हाथ पड़े और किसी को कुछ न मिले। इसी लालसा से वे परस्पर में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करने लगे। जब वे सभी रात को भोजन करने के लिए बैठे तो सागर दत्त नामक चोर भोजन खाने के लिए तैयार नहीं था। सभी चोरों ने उसे बहुत आग्रह किया, लेकिन उसने दृढ़ता से बताया, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मुझे ऐसा नियम है। अरे चोर होंगे क्या ये नियम त्याग लगा रखा है, चला हमारे साथ बैठ जा, ज्यादा कुछ नहीं तो फलादी ही खा ले। उस पर हंसने लगे, लेकिन सागर दत्त अपने नियमों में दृढ़ रहा। उसने अन्न का एक कण भी नहीं खाया। उसी रात किसी चोर ने धन की आसक्ति में भोजन में विष मिला दिया था और उसे खाकर सब मर गए। यहाँ तक कि जिसने विष मिलाया था वह भी भ्रम से उसे खाकर मर गया। उनमें से एकमात्र सागर दत्त बच गया, क्योंकि उसे रात्रि में खाने पीने का त्याग था। धन के लोभ में फंसने से एक साथ सबको मरा देखकर सागर दत्त को बड़ा वैराग्य हुआ और उसे अपने रात्रि भोजन त्याग की महिमा आई। बहुत सोचने लगा, मात्र एक नियम से मेरे प्राण बच गए। यदि मैं संपूर्ण हिंसा व्रत का पालन करूंगा तो मेरा कितना कल्याण होगा। ऐसा सोचकर उसने सब धन को वहीं छोड़ दिया और एक साधु के पास जाकर मुनि बन गए। सागर दत्त मुनि गांव गांव जाकर उपदेश करने लगे। सभी श्रावकों को रात्रि भोजन त्याग का महत्व बताने लगे। रात्रि भोजन करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है, ऐसा शास्त्रों में भी आया है। रात में खाना खाना मतलब मांस खाने जैसा है, और रात में पानी पीना मतलब खून पीना जैसा है। अर्थात सभी मोक्षयात्री जीवों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। बन गए सागर दत्त मुनि गांव गांव जाकर उपदेश करने लगे। सभी श्रावकों को रात्रि भोजन त्याग का महत्व बताने लगे। रात्रि भोजन करने से अनेक जीवों की हिंसा होती है, ऐसा शास्त्रों में भी आया है। रात में खाना खाना मतलब मांस खाने जैसा है, और रात में पानी पीना मतलब खून पीना जैसा है। अर्थात सभी मोक्षयात्री जीवों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। उत्तम अंकिंचन्य धर्म की जय। आज का ये उत्तम अंकिंचन धर्म क्या कहता है, यतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचारे पश्चामि जगन न किंचित, स्वात्मा बोधात् अधिकम न किंचित। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, वहाँ पर भी कुछ नहीं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर भी कुछ नहीं है। कुछ है तो एक आत्म बोध से बढ़कर कहीं दुनिया में कुछ नहीं है। वपु ग्रम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सर्व सर्वथानि स्वभावानि मूढ़ानि प्रपद्यते। ये स्त्री पुत्र मकान, ये वैभव, ये संपत्ति संतति, वो हमारे स्वभाव से अन्य है। इसलिए हमारा अणु मात्र भी कुछ भी मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं है। ये लक्ष्य बनाकर अपन व्यवहार करें तो हमारे जीवन में अंकिंचन्य धर्म प्राप्त हो सकता है। तो आए देखें अंकिंचन्य धर्म क्या कहता है। उत्तम अंकिंचन्य। एक बार एक सज्जन व्यक्ति बाहर विदेश गए हुए थे। वहाँ का शासक बड़ा ही अत्याचारी था। वह जनता को कष्ट दे देकर उनकी संपत्ति को लूटकर अपने खजाने में जमा किया करता था। उसे जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान से कोई साधु पुरुष आया है तो वह उनसे मिलने उनके पास गया। कुशल समाचार पूछने के उपरांत सज्जन व्यक्ति ने उनसे कहा कि क्या आप मेरे 100 पत्थर को गिरवी रख लेंगे? इस पर शासक बोला, पत्थर को गिरवी रखने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप उन्हें ले कब जाएंगे यह अवश्य बताइए। साधु पुरुष ने इसके उत्तर में कहा कि आपके पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे मरने के बाद इस संसार में आपकी जीवन यात्रा समाप्त होने पर जब भी आप मुझसे मिलेंगे तब आप इन पत्थरों को मुझे दे दीजिएगा। इस पर वह शासक बोला, कैसी बात करते हैं आप? भला इन पत्थरों को लेकर मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? इस पर साधु पुरुष ने कहा, तो फिर जनता को चूस चूस कर आप जो अपने खजाने में नित्य वृद्धि किए जा रहे हो, तो क्या वह सारा खजाना यही छोड़ देंगे? उसे अपने साथ ही ले जाएंगे ना, तो बस साथ में मेरे इन पत्थरों को भी लेते आइएगा। उस दुराचारी की आंखें खुल गईं। उसने साधु पुरुष के चरणों पर गिरकर उनसे क्षमा मांगी और प्रजा को कष्ट ना देने का वचन किया। अब अपनी बात पर जरा विचार कीजिए। अन्याय अनीति से कमाया हुआ अनाप शनाप पैसा क्या वो हमारे साथ जा सकेगा? क्या उसे अगले भव में ले जाने की कोई प्रक्रिया है? नहीं ना, तो इसका मतलब हुआ मैं और पैसा, यह तो अलग अलग वस्तु है। अगर मैं पैसा होता या पैसा ही मैं होता तो वह हमारे साथ अगले भाव में जरूर जाता। इसलिए मेरे ज्ञान स्वरूप को छोड़कर अन्य द्रव्य किंचन मात्र भी मेरे नहीं है। ऐसे सच्ची समझ और आचरण की उत्तम आकिंचन्य धर्म। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। आज का ये उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शब्द ही बहुत विशेष हमें संकेत करता है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा, चर्य माने उसमें रमण करना। आत्मा में रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा में रमण अभी नहीं कर सकते तो कम से कम गृहस्थ हैं तो शील व्रत का पालन करना चाहिए। अपने पति और अपने पत्नी को सिवाय आपको ब्रह्मचर्य का वैसे पालन करना, उसी का नाम शील धर्म है। कम से कम शील व्रत का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य 40-50 साल की उम्र के बाद में आजीवन ब्रह्मचर्य को लेना चाहिए, क्योंकि यदि काम सेवन करते तो एक बार काम सेवन करने से 9 लाख समर्थन जीवों की हत्या होती है। तो आज का ये उत्तम ब्रह्मचर्य हमें ये कहता है कि शरीर से जितना भी भोग भोगो ये आपको अधोगति में ले जाएगा। और सबसे बड़ा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है, उसका यदि धीरे धीरे पालन करो, महीने में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत सारे जीवों की विराधनाओं से बच जाएगा और उनकी उत्थान की तरफ वो आत्मा पहुँचती जाएगी। तो आए ब्रह्मचर्य, कम से कम शील व्रत का पालन करें, महीने में 15 दिन आदि ब्रह्मचर्य का पालन करे। आज का ये ब्रह्मचर्य यही कहता है, आत्मा को जानो तो शरीर की तरफ से, हमारा भोगों की तरफ से हमारी दृष्टि हट जाएगी और पूरे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। तो आए, आज का ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें क्या कहता है आप स्वयं देखेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य। एक बार की बात है, 2 मित्रों को आपस में मिले बहुत समय बीत गया। एक मित्र ने सोचा, चलो अपने मित्र से मिलकर आता हूँ, इसलिए वह अपने मित्र से मिलने चल दिया। चलते चलते राह में एक वन दिखाई दिया। वन में एक पेड़ के नीचे दुबले पतले शरीर वाले कोई साधु ध्यान मग्न बैठे थे। वह मित्र भी वहाँ रुका। उसने साधु महाराज को देखा और देखते ही बोला, अरे मित्र तुम यहाँ? मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहा था, लेकिन तुम तो मुझे यहीं मिल गए। साधु ने कहा, हे भव्य, वह वैभव आदि छोड़कर मैं साधु बना हूँ, आत्मा का साधक बना हूँ। उसने पूछा, अरे मित्र, इतना सुंदर राज्य, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ, बाग बगीचे आदि वैभव, उन सबको तुम किस प्रकार छोड़ सके? वे सब सुंदर पदार्थ तुम्हें कैसे असार लगे? इस पर साधु ने कहा, सुनो मित्र, यह सब वस्तुएं सुंदर तो हैं, फिर भी यह सब सुंदर वस्तुएं जिसके सामने असुंदर भाषित होने लगे, ऐसी दूसरी कोई परम सुंदर वस्तु के दर्शन मैंने अपने अंदर में किए हैं। तब उस मित्र ने पूछा, वह सुंदर वस्तु क्या है? साधु ने मित्र की पात्रता को देखते हुए कहा, हे मित्र, वह वस्तु है चैतन्य तत्व। अपना चैतन्य तत्व और उसके शांत रस का वेदन अद्भुत सुंदर है। ऐसी सुंदरता जगत में और कहीं नहीं है। उसकी सुंदरता में वीतरागता है और वीतरागता में परम आनंद है। अपने साधु मित्र के इन अनमोल वचनों को सुनकर वह गदगद होता हुआ बोला, अहो मित्र, तुमने ऐसे सरस सुंदर चैतन्य तत्व को बताकर मुझ पर परम उपकार किया है। मैं भी चैतन्य तत्व को अंगीकार करता हूँ और तुम्हारे साथ साधु दीक्षा ग्रहण करता हूँ। आज उत्तम क्षमावाणी का दिन है। क्षमावाणी यही कहती है कि हमारा 10 धर्म देखो पर्युषण पर्व बहुत विशेष महिमा युक्त है। हमारा ये पर्युषण पर्व 10 धर्म पर्व क्षमा धर्म से शुरू हुआ और क्षमावाणी से पूर्ण होता है। क्षमा धर्म माने मंदिर को बनाया, 10 धर्म रूपी मंदिर को बनाया और अंत में क्षमा रूपी कलश नहीं चढ़ाया तो गलत हो जाता है। कलश चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। इस तरह से क्षमा माने क्ष शब्द में ऊपर भी गांठ है और बीच में भी गांठ है। तो ऊपर और बीच की गांठ हमें यही दर्शाता है कि आप किसी से भी अंतरंग और बहिरंग से इन सब गलतियों को दूर करके एक दूसरे से क्षमा मांगे, यही क्षमावाणी धर्म है। और सबसे पहले तो हमें जो हम अपनी आत्मा को ठग रहे हैं, सबसे पहले तो अपने आप को क्षमा करें। क्षमा धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तो क्षमावाणी में एक दूसरे की गलती को न देखकर प्रेम सहित आप एक साथ में व्यवहार करें। गाय बछड़े की तरह एक साथ में अपने सदधर्मियों के साथ में व्यवहार करें, यही उत्तम क्षमावाणी का धर्म कहता है। क्रोध मान माया लोभ के कीच को धोरो और रत्नत्रय के मार्ग में क्षमा का दीप जलाओ। आए क्षमा का दीप जलाए तो हमारा धर्म सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। ऐसे आज जो हमारी प्रीति जैन और सपना पांड्या ने जो भी कुछ आपको बता रही हैं, तो ये हमें आगे निर्देश दे रही हैं कि अपने जीवन में धर्म को धारण करो। धर्म ही उत्तम सुख में पहुंचाता है। आप जो भी इसमें भाग लिया है सबको आचार्य श्री का और हमारा मंगल शुभ आशीर्वाद है। आपकी कला दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। धर्म में आगे बढ़ो। इसी मंगल शुभ भावनाओं के साथ में सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद। मेरा नाम संगीति चंद, मैं उत्तम क्षमा। जय जी, मेरा नाम ख्वाजा, मैं उत्तम क्षमा। जय जी, मेरा नाम दुर्गा जी, मैं उत्तम क्षमा। जय जी, मेरा नाम दिया जी, मैं उत्तम क्षमा। जय जी, मेरा नाम आस्था, मैं उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, सभी को उत्तम क्षमा, सभी को उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, आप लोग को उत्तम क्षमा, 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 उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र, मैं अंकिता सेठी, सन्मति नगर से। जय जिनेन्द्र, मैं समा पाटनी, सन्मति नगर से। जय जिनेन्द्र, मैं निधि सेठी, सन्मति नगर से। जय जिनेन्द्र, मैं पूजा सेठी, सन्मति नगर से। जय जिनेन्द्र, मैं श्रुति सेठी, सन्मति नगर। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। मैं मनीषा जैन बरहमपुर से। मैं श्रुति जैन बरहमपुर से। मैं दृष्टि जैन बरहमपुर से। उत्तम क्षमा, 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 उत्तम क्षमा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन लोगों ने इतना मेहनत किया इस प्रोग्राम के लिए और उसकी वजह से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो कैसा लगा हमारा ये आज का अनुष्ठान? आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई कमियां रह गई हो, कोई त्रुटियां रह गई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं प्रीति सोगानी अभी आप सबसे विदा लेती हूँ। वापस आऊंगी फिर एक नया प्रोग्राम लेकर। जय जिनेंद्र। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना तो आसान होता है। सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए सब आसान है तो उसके लिए सब आसान हो जाता है। साबिराचार्य 108 संभव सागर जी महाराज को मेरा 3 बार नमोस्तु। गणनी श्रमणी आरिका रत्न 105 पुनित चैतन्य माता जी को मेरा वंदन। इस सुनहरे अवसर पर मैं इतना ही कहूंगी कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मान नहीं। गुरु का आशीर्वाद हो जहां, खुशी और हर्ष छा जाए। जी हाँ दोस्तों, आज गुरु के आशीर्वाद से हम लोग अपने घरों में बैठकर हमारे इस दस लक्षण महापर्व का आनंद ले पा रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस काम को आसान और साकार बनाया है इस प्रोग्राम से जुड़े आयोजकों ने और हर एक पार्टिसिपेंट के उत्साह और जोश ने। आचार्य गुरुवर को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमेशा वंदनीय माता जी को वंदामि वंदामि वंदामि। आदरणीय प्रीति आंटी जी एवं सभी आयोजनकर्ताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस बार पर्युषण पर्व पर ऐसा लग रहा था कि कोई भी प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर जी के द्वार बंद हो गए हैं और बाहर आना जाना भी बंद हो गया है। तो हम प्रोग्राम करें भी तो कहाँ करें। इसी बीच आपने हमें यह सुनहरा अवसर दिया अपनी प्रतिभा की प्रस्तुति देने का। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। आपने हमें यह अवसर देकर हमारी प्रतिभा से हमें अवगत करवाया है। हमें आप इसी तरह प्रोत्साहित करती रहिए और ऐसे सुनहरे अवसर देकर हमारा मार्गदर्शन करती रहिए। यही जिनेंद्र देव से प्रार्थना है हमारी। प्रीति आंटी, आप सभी का सुंदर प्रयास हम सबके मन को भाया है। अपनी प्रतिभा का परिचय देने का यह सुंदर अवसर हमने पाया है। पर्युषण महापर्व की जय। यूँ तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एवं कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। प्रीति भाभी के संग भी मैंने पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, मगर इस महामारी के समय जब हम ठीक से देव दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, उस समय एक ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम की सोच प्रीति भाभी की सर्वोत्तम सोच को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए एवं आने वाले कार्यक्रमों में अगर उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उन सभी के लिए प्रीति भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आप सभी को 10 लक्षण धर्म की शुभकामनाएं। माता जी के आशीर्वाद से मैं जाप और गोद भराई के कार्यक्रम से सपना भाभी से जुड़ी। सपना भाभी ने ही मुझे इस ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका दिया। उसके लिए सपना भाभी को तहे दिल से धन्यवाद। प्रीति भाभी से मैं कभी आज तक मिली नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ लगातार 3 ऑनलाइन प्रोग्राम करके मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उन्हें वर्षों से जानती हूँ। प्रीति भाभी एक बहुत ही अच्छी टीम लीडर है। वह अपने हर एक सदस्य की मदद के लिए हर समय तैयार रहती है और अपने हर एक प्रोग्राम को हंसते हंसते और बहुत ही मेहनत से सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है और उनके हर एक टीम मेंबर भी उतने ही मेहनती और उतने ही उत्साह से भरे हुए हैं जितनी की प्रीति भाभी। मैं ऋषित, मैं ध्रुवी, आप सभी को हमारा जय जय। मुझे इस धर्म से काम में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। मैं इस धर्म के काम में सपना बुआ के साथ जुड़ा, सपना बुआ के थ्रू जुड़ा। मैंने इस धर्म के ऑनलाइन काम में पहली बार ऐसा पार्ट लिया है और हमें इस धर्म के काम में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ साथ प्रीति आंटी से भी मिला जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। आई होप कि मैं ऐसे सबके साथ काम करते रहूं। जय जिलेबी।